हेलो दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो जैक की लॉक स्टिच मशीन के ऊपर, A3B मॉडल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं फ्रेंड। इससे पहले हम लोग ने F4, A2, A2S तमाम मशीनों पे ओवर लॉक फ्लैट लॉक पे बनाया था। ये A3B मॉडल जो है फ्रेंड, नया मॉडल आया हुआ है हम लोग के यहाँ इस वक्त, तो उसी पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं। पहले इसकी अनबॉक्सिंग हम लोग करते हैं, मशीन आपको दिखलाते हैं फ्रेंड्स। खोलिए, थोड़ा सा कार्टन साइड का दिखा दें। आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो मॉडल नेम होता है, यहाँ पे उसका पड़ा रहेगा A3B। थोड़ा सा उठाइए, A3B। ठीक है, मशीन खोलिए। A3B मॉडल फ्रेंड A2S मॉडल से बहुत मिलता जुलता है। जिसको हम लोग पूरा खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई फ़र्क उससे है कि नहीं है। A2S इससे पहले हम लोग मंगाए थे, उसका वीडियो बनाए हुए थे फ्रेंड्स, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देखना चाहें तो उसको भी देख लीजिएगा और दोनों को आप खुद कंपेयर कर सकते हैं देख करके वीडियो। इसको हम लोग पहले खोल लें पूरा आपको। काफ़ी मज़बूत स्टेपलर से लगा होता है पूरा पैकिंग। इसको उठा के इधर मशीन पर रख दीजिए। अरे दो लोग हाथ लगा के ही मशीन उठाएं फ्रेंड्स। तो ये मशीन हम लोगों ने फ्रेंड्स बाहर निकाल लिया है, बहुत ही इम्प्रेसिव लुक है फ्रेंड, शानदार आपको लगेगी देख करके। A2S जैसी ही मशीन ये पूरी तरह से है फ्रेंड्स। अब ये थोड़ा सा अपग्रेड कर दिए हैं, A3B मॉडल कर दिए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं ट्रिमर दिए हुए हैं और जो स्टिचेस हैं उसमें प्रोग्रामिंग करने का इसमें भी दिए हुए हैं आपको। इसको हम लोग ऑन करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। इसके बॉक्स को आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, सब चीज़ों को दिखा दें। ये आपका जो है ब्रेक सेट है आपका, ये मशीन कवर करने के प्लास्टिक दिए हैं, ये पटरे को पूरा कसने वाले पूरे चीज़ें, ये पूरा धागा स्टैंड इसमें दिया हुआ है आपका, ये आपका रॉड है, फिर आपके टंकी हो गई, ये आपका जो है रेगुलेटर हो गया, ये ऑयल हो गया आपका। ठीक है, सब चीज़ें A2Z सब रहती हैं उसमें। एक आध पेंच कोई आने जाने में गिर जाए अलग बात है, बाकी पूरे सामान कंपनी वाले रख देते हैं। जितनी भी आजकल मशीनें आ रही हैं सब में आप देखेंगे डायरेक्ट ड्राइव मोटर होती है, साइड में इसके डायरेक्ट ड्राइव मोटर लगी हुई है। मशीन ज़रा पलट के भी दिखा दीजिए तो पीछे से लगा करके। घास के ऊपर धीरे से पलट दीजिए। ये देखिए, ये इसका पूरा लिख है, पूरा आपका इसमें ट्रिमर वाला जितने चीज़ें हुए ट्रिमर के लिए दिया हुआ है। काफ़ी हट करके मशीन होती है, F4 से तो बहुत ही अपग्रेड मशीन है। ये स्मॉल हुक में होती है, छोटे शटल वाली होती है पैंट शर्ट जीन्स सिलने के लिए, लेदर की ये मशीन नहीं होती है लेदर स्टिच करने के लिए। ठीक है, मशीन सीधी कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें आप देखेंगे इस पर पूरा इसका मोटर का स्पेसिफिकेशन वगैरह इस पर पड़ा रहता है।
बहुत क्लियर दिख नहीं रहा है। 550 वाट की पावर वाली मोटर होती है और मैक्सिमम स्पीड इसका 5000 RPM का होता है फ्रेंड्स। नहीं नहीं, बाकी मशीन का ये सीरियल नंबर है आपका, इस पे सीरियल नंबर है, मशीन का मॉडल ACV। ठीक है, रेगुलेटर कनेक्ट कर ली हम लोग, तब तक रेगुलेटर कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स। पूरा इस पर डिस्प्ले है फ्रेंड्स, इसका हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल मशीन का वीडियो बनाएंगे इसमें चला करके। ऐसे एक नज़र में देख करके तो यही समझ में आ रहा है कि जो अपना A2S मशीन में जैसे आप स्टिचेस को प्रोग्राम कर सकते थे, उसी तरह इसमें भी आप स्टिचेस कई तरह की प्रोग्राम करके चला सकते हैं। क्योंकि तो ये सब जो इतने फंक्शन दिए हुए हैं, ये जितने फीचर दिए हुए हैं, वो सब वही चीज़ें फ्रेंड। अभी इसको हम लोग पूरा चला करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो क्लियर हो जाएगा आपका कि ये A2S से कुछ फ़र्क है कि नहीं है। लुक तो बहुत खूबसूरत है, ये भी आपका लाइट, इसमें भी लाइट दिया हुआ है। थोड़ा चला दीजिए मशीन, धागा धागा लगा हुआ है ना, एक चलाइए। हटा लीजिए, ठीक, रिवर्स करके फिर चला दीजिए एक बार। ये आपका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये टक्की मार के चल रहा है, थोड़ा सा वो चलाइए तो पता चल जाएगा। हाँ, ये आपका प्लेन स्टिच चल रहा है, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं इसको आप अगर कस्टमाइज़ करेंगे तो वैसे ही चलेगा आपका। जैसे A2S में आपका थोड़ा सा आगे टक्की मार के स्टार्ट होता है और फिर जहाँ एंडिंग होती है वहाँ पे भी वो टक्की जो है मार के ही स्टॉप होती है मशीन। अब वो कितना आप उसका स्टिच जो है टक्की में रखेंगे, वो सब यहाँ से आप प्लस माइनस सब कर सकते हैं। फिर चलाइए जैसे मशीन, फिर चलाइए, रोक लीजिए। ये अभी सिंपल आपका सिंपल स्टिच पे है फ्रेंड्स, अब इसको कस्टमाइज़ करेंगे, कस्टमाइज़ करके आपको दिखलाते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा इसको मशीन को इंस्टॉल करके। बाकी इसके स्टैंड टेबल तो सब कॉमन होते हैं जैसे आपके F4 में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो को कंप्लीट करते हैं, शुक्रिया।